हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो भाई आपका भाई एकदम रेडी हो चुका है नहा के पूजा वगैरह करके, और आज आपका भाई जा रहा है फरुखाबाद गोल्डन बॉय से मिलने के लिए। तो हमारे फरुखाबाद में गोल्डन बॉय है, तो आज मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। मेरी 3-4 दिन से उनसे बात हो रही थी, तो वो अभी बाहर थे शूट पे, आज वो हैं। तो उनका मैसेज आया था कि भाई आज आप आ जाओ, आज मैं हूँ। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए, तो फटाफट खाना खाते हैं और निकलते हैं घर से, पहुँचते हैं फरुखाबाद, मिलते हैं गोल्डन बॉय से और आप लोगों को भी मिलवाते हैं। तो भाई खाना वगैरह खा लिया है और अब निकलते हैं फटाफट और पहुंचते हैं गोल्डन बॉय के पास में। तो भाई अपन निकल चुके हैं घर से, बाइक में पेट्रोल भी भरवा ली है और अभी है फरुखाबाद वाली रोड पे। तो लगभग आधा घंटा लगेगा वहां तक पहुंचने में, आधे घंटे में वहां तक पहुंच जाएंगे और मस्त होके आराम आराम से चल रहे हैं और हल्की हल्की बारिश की बूंदे भी गिर रही है। भाई बहुत मजा आ रहा है बाइक चलाने में, ऐसी राइड मिले तो अच्छा है। धूप भी नहीं है और हल्की हल्की बूंदे देखो इस पे दिख रही होंगी आपको हेलमेट पे, बहुत अच्छा लग रहा है बाइक चलाने में। तो भाई फटाफट पहुंचते हैं फरुखाबाद और आप लोगों को मिलवाते हैं गोल्डन बॉय से। तो भाई फाइनली फरुखाबाद तो पहुंच गए, बट गोल्डन बॉय से नहीं मिल पाए, वो निकल गए भाई कानपुर के लिए। उन्होंने टाइम दिया था और मैं उस टाइम पे आ नहीं पाया, लेट हो गया, तो वो तो नहीं मिले। अब वो मिलेंगे कल, क्योंकि आज वो निकले हैं कानपुर के लिए। अब 3 बजे उनकी ट्रेन थी और 3 बजे मेरे पास आते हुई उनसे, तो बोले भाई मैं तो निकल गया हूँ। तो अभी मैं खड़ा हूँ फरुखाबाद सेल्फी पॉइंट जो है, आई लव फरुखाबाद पीछे लिखा हुआ है। तो भाई यहाँ पे आए तो मैंने कहा यहाँ पे चलते हैं, फोटो शूट वगैरह करते हैं, एक दो रील शूट करते हैं और उसके बाद मैं चलूँगा आप लोगों को दिखाऊंगा चल के। यहाँ पे एक समोसे और भांग फेमस है अनोखे लाल की, तो आप लोगों को वहाँ पे लेके चलेंगे और वो दिखा के लाएंगे और बताएंगे टेस्ट वगैरह कैसा है उनका। तो बाकी अभी यहाँ पे पिक्स वगैरह ले लें और एक दो रील शूट कर लें। ये भाई कुछ बच्चे मिले हमें यहाँ पे सेल्फी पॉइंट पे, ये देखो ये देखो, ये मांगने के लिए आए, तो मैंने बोला तमंचा निकालो, तो ये भाई इसी जगह पे मिले हैं। ठीक है, इनकी देखो बंदूकें चल रही है मेरे ऊपर, देख लो भाई इनको। भाई सेल्फी पॉइंट पे रील वगैरह शूट कर ली है, पिक्स वगैरह ले ली हैं और अभी मैं जा रहा हूँ अनोखे लाल के यहाँ पे। तो भाई उनकी भांग तो नहीं चख सकते हैं, बट उनके यहाँ के समोसे टेस्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं अनोखे लाल के फेमस समोसे वगैरह कैसे हैं, तो फटाफट पहुँचते हैं वहाँ पे। भाई अनोखे लाल के मिष्ठान भंडार पे पहुँच चुके हैं, ये है अनोखे लाल मिष्ठान भंडार। और भाई अब यहाँ पे समोसे वगैरह टेस्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कैसा टेस्ट है इनका। भाई ये शॉप है श्री अनोखे लाल मिष्ठान भंडार, ठीक है, अनोखे लाल पेड़ा वाले और इधर लाला अनोखे लाल मिष्ठान भंडार, भाई दो दुकानें हैं, ठीक है। और इनके यहाँ पे भाई समोसे की ये दोनों दुकानें, दोनों भाई शॉप एक ही लोगों की हैं, अलग अलग हैं भाई, एक शॉप ये अलग है और एक ये है, ठीक है। दोनों पे समोसे और मिठाई का ही काम है, दोनों लोगों की अलग अलग हैं। और भाई ये ले रहे हैं अपने समोसे, टेस्ट करके देखते हैं कैसा टेस्ट है यहाँ का, काफ़ी नाम सुना शॉप का। और अंदर भाई बैठने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, ठीक है, रेस्टोरेंट टाइप का भी है अंदर। भाई समोसे खा लिए हैं और भाई के यहाँ के समोसे बहुत टेस्टी। भाई अभी शॉप कितनी पुरानी है, लगभग भैया 80 से 85 साल पुरानी, भाई 80 से 85 साल पुरानी शॉप है। तो मतलब हमें लग रहा है पिताजी वगैरह चला रहे थे शॉप को, दादाजी के ज़माने की शॉप है भाई। और समोसे भी टेस्टी है, खाने में टेस्टी समोसे लगे। दुकान का नाम याद कर लो, श्री अनोखे लाल मिष्ठान भंडार फरुखाबाद में। कहीं भी आओगे पूछ लोगे, यहाँ पहुँच जाओगे, तो एक बार आओ फरुखाबाद और यहाँ के समोसे जरूर खाना। और भाई मैं अब जा रहा हूँ वापस, क्योंकि यहाँ जिससे मिलने आए थे उससे मिल नहीं पाए। और अगर फरुखाबाद सेल्फी पॉइंट पे आना है तो वो जगह देख लो, वो सरकारी बस स्टॉप जो है उसके जस्ट साइड में है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इधर है सरकारी बस स्टॉप, ये सरकारी बस स्टॉप है और इसके जस्ट साइड में, और ये देख रहे हो बस वगैरह जा रही है बस स्टॉप पे। और भाई ये बना हुआ है सेल्फी पॉइंट, ये देख रहे हो इस रिक्शे के जस्ट पीछे ये सेल्फी पॉइंट है। तो यहाँ पे भाई एड्रेस देख लो, मतलब फरुखाबाद में बस स्टॉप पे आओगे उसके जस्ट साइड में सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, और इसी से आगे चले जाओ तो वहाँ पे मिलेंगे आपको अनोखे लाल के समोसे और जो मिठाइयाँ वगैरह हैं वो सब। तो भाई मैं वापस जाने के लिए फिर से आ चुका हूँ फरुखाबाद वाली रोड पे, और अभी मैंने बघार का पुल क्रॉस किया है, लगभग आधा पौन घंटा लगेगा, उसके बाद मैं पहुँच जाऊँगा घर पे, क्योंकि तो गोल्डन बॉय से नहीं मिल पाए यार, लेट हो गया मैं थोड़ा काम की वजह से, उन्होंने टाइम दिया था मैं उस टाइम तक नहीं पहुँच पाया और वो कानपुर के लिए निकल गए। भाई आज उनकी गलती नहीं है, गलती मेरी है, उन्होंने टाइम दिया था मैं उस टाइम पर नहीं पहुँचा। बाकी कल या परसों में मैं फिर आऊँगा और उनसे मिलूँगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि कल वापस आ जाएंगे कानपुर से। तो अगर कल आना हुआ तो कल आके मिलेंगे, और नहीं तो फिर एक दो दिन में जब मैं आ पाऊँगा तब उनसे मिलूँगा।
सच भाई यार अच्छा नहीं लग रहा यार, बिना मिले जा रहा हूँ यहाँ तक आया, बट अपनी गलती है तो कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि खुद की गलती है, आज की गलती किसी की नहीं है, गलती मेरी खुद की है। बट अभी केवल यही कर सकते हैं कि घर पे जा सकते हैं वापस, तो घर पे जा रहे हैं। तो भाई मैं आ चुका हूँ घर पे, अभी थोड़ी देर हुई है मेरे को आए हुए, बातें कर रहे थे मम्मी को, रील वगैरह दिखा रहे थे जो शूट की थी, और किट्टू चाय बना के ले आई है। तो भाई ये रही अपनी चाय, तो चाय पीते हैं अभी, और इन बच्चों को देखो भाई आज मेरे, मैं तो डेली चला जाता हूँ, सुबह से निकल जाता हूँ, शाम को वापस आता हूँ, और लाइट चली जाती है, ये दोनों परेशान रहते हैं, ऐसे ही पड़े भाई, गर्मी इतनी तेज है और यहाँ पे भाई लेटे क्योंकि एसी चल नहीं रही है लाइट आने की वजह से, और लाइट देर की गई हुई है, दोनों परेशान हैं। और रेक्सी को आज भी भाई खाना नहीं मिला, रेक्सी आज ऊपर अभी भूखी अभी चिल्ला रही है, तो अभी मैं चाय पी लूँ और कपड़े चेंज कर लूँ, उसके बाद रेक्सी को लेके आऊँ, फिर उसे घुमाऊँ जाके, बाकी अभी चाय पीते हैं। तो भाई मैंने कपड़े चेंज कर लिए चाय पीने के बाद, और रेक्सी को भी घुमाए, इनको भी खाना भी दे दिया है, और अब मेरे को करना है वीडियो एडिट और अपलोड। तो भाई इसलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और एक प्यारी सी कमेंट कर दे। बाकी अभी के लिए सभी भाइयों को राम राम।